एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानवी होम मेकर। आज की वीडियो है चिकन सॉसेजेस फ्राई मसाला रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है एंड इंग्रेडिएंट्स जो इसमें सामान यूज हुआ है वो भी बहुत ही सिंपल और घर पे इजीली अवेलेबल सामान है। तो आप प्लीज वीडियो को देखिए, घर पे ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, लेट्स गो अहेड एंड वॉच द वीडियो गाइज। तो गाइज, हमने ले लिया है प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और शिमला मिर्च। आपको और कोई सब्जियां चाहिए तो आप गाजर, गोभी, अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो आप वो सब सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड, मैंने ले लिए है चिकन सॉसेजेस, ये ऑनलाइन और मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। गाइज, हम कटोरी में थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भी ले लेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी। नेक्स्ट गाइस, मैंने पैन ले लिया है और गैस पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमने डाल लिया है, जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले डालेंगे प्याज। प्याज जैसे ही डल जाए उसके बाद आप ऐड कर देंगे अपना अदरक और लहसुन। गाइज, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं कुक करना है, हमें उसको हल्का ब्राउन ही रखना है, बिकॉज़ क्रंच चाहिए। जब आप सॉसेजेस खाएं सब्जियों के साथ तो वो क्रंच आना चाहिए प्याज का, शिमला मिर्च का, अदरक और लहसुन का। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दिए। गाइज, हम इसमें टोमेटो पेस्ट जो है वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। आई प्रेफर टोमेटो पेस्ट, तो मैंने टोमेटो पेस्ट डाली है इसमें। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज, हम इसको कवर कर लेंगे कि जिससे अच्छे से ये सब कुक हो जाए। नेक्स्ट, कवर खोल के हम इसमें अपने मसालास भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे जो नमक और लाल मिर्च हमने निकाल के रखी हुई थी वो। डालने के बाद आप एक बार दोबारा सब्जियों को स्टिर कर लीजिए। गाइज, मेन मोटिव है कि सब्जियों के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए कि वो फ्लेवर आ सके सब्जियों में और सॉसेजेस में जब आप खाने लगे उसको। तो थोड़ी सी काली मिर्च भी ले ली है मैंने, ये काली मिर्च जो है हम इसको भी इसमें डाल देंगे टू गेट दैट अमेजिंग, एक जो जिंग होता है ना काली मिर्च का जो गले में लगता है, एंड बिकॉज हम सॉसेज फ्राई बना रहे हैं तो ये वैसे ही अमेजिंग लगेगा। तो गाइस ये देखिए हमने डाल दिया है ना, अब टाइम है गाइस सॉसेजेस डालने का। तो गाइस ये मैंने सॉसेजेस पूरी कट कर ली थी, अब इसको हम पैन में डाल देंगे एंड इंश्योर करेंगे कि सॉसेजेस सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। इसको स्टिर कर लेंगे अच्छे से कि सारी सब्जियाँ और सॉसेजेस जो है उसमें मसाला भी आ जाए सारा।
गाइज मैंने ऊपर से और काली मिर्च ऐड करी है, बट इट्स कम्प्लीटली नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहते हो और काली मिर्च तो डाल सकते हो, नहीं चाहते तो आप प्लीज़ उसको स्किप कर सकते हो। आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। आप कुछ नहीं करना है, हमें इसको लिड से कवर कर देना है 2 to 3 मिनट्स के लिए कि बस अच्छे से सारे फ्लेवर्स सोक इन हो जाएं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बनके रेडी है, बस हमें अब सर्विंग बोल निकालना है एंड सर्विंग बोल में इसको सर्व करना है, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी सॉसेज फ्राई रेडी है, इसको हम एक बोल में डाल लेंगे फॉर सर्विंग पर्पस। देखिए इसका कलर, देखिए क्या प्यारा कलर आया है गाइस। इसको हम ऐसे ही प्लेट पर डाल लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पेपर और डाल रही हूँ एंड उसके ऊपर जो मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें थी, मैं ऊपर से हरी मिर्चें भी डाल दूंगी। एंड गाइज इट्स रेडी टू ईट। सो गाइज आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी, एंड अपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिए कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट। गाइज थैंक यू सो मच for supporting throughout guys. You have a wonderful wonderful day ahead and keep yourself safe guys. Guys ye dekhiye aur ek flavor mein kitna bite hai.